गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? ज्योति मैम के बेबीज कैसे हैं? अच्छे हो? आपको पता है आज मैम क्या कराएंगी आपको? आज मैम आपको गांधी जी बनवाएंगी। वाओ, कैसे बनाने हैं गांधी जी पता है? क्ले मॉडलिंग से। और हम गांधी जी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आज हम गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। गांधी जयंती क्या होता है? गांधी जी का बर्थडे। जैसे हम सबका बर्थडे आता है ना, ऐसे ही 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे आता है। ओके, अब मैं आपको दिखाऊं अपने गांधी जी मैंने कैसे बनाया। ये देखो कैसे लग रहे हैं मैम के छोटू से गांधी जी, क्यूट लग रहे हैं ना। मैम ने क्ले मॉडलिंग करके इनको बनाया है और मैम आज आपको भी सिखाएंगे, ठीक है? अच्छे से आपको वीडियो देखनी है, स्टेप्स फॉलो करने हैं और जहां पर नहीं समझ आएगा बस वहीं पर मम्मा की हेल्प लेनी है। ओके, अदरवाइज आपको क्ले से खेलना है और ऐसे सुंदर से गांधी जी बनाने और पिक्चर क्लिक करके मैम को शेयर करनी है। ओके, शुरू करें। ओके, आ जाओ। सबसे पहले हमें ऐसे क्ले लेनी है। आपके पास जिस भी कलर की क्ले है वो आप ले सकते हो। ओके, मैम के पास पिंक कलर की क्ले थी तो मैम पिंक कलर की क्ले यूज़ कर रही है। सबसे पहले आपको एक सिलेंड्रिकल शेप देनी है क्ले से। ओके, दोनों हैंड्स को यूज़ करना है और ऐसे रोली पोली करनी है और ऐसे शेप देनी है। ध्यान से देखो, ये आप पूरी एक्टिविटी खुद करोगे और जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ आप मम्मा से हेल्प लोगे। ओके, अब आपको क्या करना है, ये शेप देने के बाद आपको थोड़ी और क्ले लेनी है और एक बॉल बनानी है, ठीक है? दोनों हैंड्स के बीच में ऐसे पाम्स पर आपको क्ले रखनी है और रोली रोली करना है, राउंड 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 राउंड, बहुत अच्छे से, एकदम प्लेन सरफेस होना चाहिए। जैसे मैम ने प्लेन किया है ना, ऐसे प्लेन करते जाओ। अब आपको सर्कल को सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर ऐसे फिक्स करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉल गिर रही है नीचे तो आप ऐसे मैच स्टिक से उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है? अब ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब आपको क्या करना है, कोई भी स्टिक लेनी और उसको ऐसे आपको तोड़ना है। आपको 2 स्टिक्स ऐसे तोड़ के रखनी है क्योंकि हम अब उसके हैंड्स बनाने वाले हैं, ठीक है? अब हम गांधी जी के हैंड्स बनाने वाले हैं। ध्यान से देख लो कि मैम कितने बड़े बड़े पीसेस में इस स्टिक को तोड़ रही है, ठीक है? तो जो छोटा वाला पार्ट होगा वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो लॉन्ग वाला पार्ट होगा वो नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हैंड्स बनाने के लिए हमें दोबारा से क्ले लेनी है और क्ले को हम पतला 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 ऐसे करते जाएंगे, ठीक है? ऐसे लंबा लंबा करते जाओ उसको और फिर जो स्टिक है उसके ऊपर ऊपर पूरा कवर कर दो क्ले से, ठीक है? जो स्टिक है उसको क्ले से पूरा कवर कर दो अच्छे से, जैसे ज्योति मैम कर रही है, ठीक है? और फिर ऐसे हैंड पर रख के उसे भी रोली पोली करते जाओ। ध्यान से देखो मैम कैसे कर रही है। अब आपको जहाँ से आपको उसका हैंड बनाना है वहाँ से हल्का सा हम ट्विस्ट कर देंगे और ऐसे बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है? ये हमारे गांधी जी का 1 हैंड रेडी है। आपको ओवल और सिलेंड्रिकल शेप खुद से बनानी है और जो स्टिक वाला पार्ट है ये करने के लिए आप मम्मा की हेल्प ले सकते हो। ओके, सेम प्रोसेस आपको दूसरा हैंड बनाने के लिए भी यूज़ करना है। स्टिक के ऊपर आपको क्ले लगानी है, स्टिक को पूरा कवर कर देना है और राइट हैंड साइड में बॉडी जो है उसमें इंसर्ट कर देना। ओके, ध्यान से देखो ज्योति मैम कैसे कर रही हैं। दोनों हैंड्स फिक्स होने के बाद अब ध्यान से देखिए ज्योति मैम क्या करने वाली हैं। अब आपको छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं और उनको ऐसे प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद गांधी जी के जो हैंड्स हैं वहाँ पर एंड में आपको फिक्स कर देना है। ओके, तो आपको छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, उनको प्रेस करना है और जो हैंड्स बनाए हैं उन पर ऐसे फिक्स कर देना है। ध्यान से देखो ज्योति मैम ने कैसे किया है।
अब आपको ब्लैक कलर के बॉल्स बनाने हैं ऐसे, और देखो मैम फेस पर कैसे लगा रही हैं, आपको भी ऐसे फिक्स करना है। और थोड़ा सा ब्लैक कलर की क्ले लेके रोली पोली करनी है आपको। देखो ध्यान से मैम कैसे कर रही है, आपको ऐसे 4 रोली पोलीज करनी है और रख देना है 4 क्विलिंग करके, और 2 सर्कल्स लेने हैं छोटे छोटे, और उनको प्रेस करके आपको ईयर्स बनाने हैं गांधी जी के। ओके, पहले आप ईयर्स बनाओगे। ध्यान से देखो, हमारी जो आईज होती हैं उनके साइड्स में आपको ईयर्स बनाने होते हैं, ठीक है। और जो आपने 4 रोली पोली की थी, 4 क्विलिंग्स की थी, उन क्विलिंग को कैसे यूज़ करना है, ऐसे राउंड करके इन 4 क्विलिंग्स को आपको राउंड करके आईज के ऊपर ऐसे लगाना है। ध्यान से देखो ज्योति मैम कैसे यूज़ कर रही है, ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सा चश्मा बना रहे हैं हम गांधी जी का, तो मम्मा की हेल्प ले सकते हो ये सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। पर आप क्विलिंग खुद करोगे, जो क्विल करना है, रोली पोली करनी है, वो आप अपने आप करोगे, ठीक है। और जो आईज बनाई है उसके जस्ट ऊपर आपको ये सर्कल स्टिक कर देने हैं। अब आपको एक ट्रायंगल शेप बनानी है। ट्रायंगल बनाना आता है ना आपको, अभी ट्रायंगल बनाओगे और दोनों आईज के सेंटर में आपको ये नोज फिक्स कर देनी है। तो हमारे गांधी जी की नोज भी बन गई, ठीक है। अब आपको हमारा जो चश्मा है वो हम आई अपनी नोज के ऊपर पहनते हैं ना, नोज के ऊपर होता है उसकी कनेक्टिविटी। अब आप क्या करोगे, एक छोटी सी क्ले जो है नोज के ऊपर दोनों सर्कल के बीच में लगाओगे, और 1 रोली पोली ईयर्स के पास तक जो चश्मे की स्टिक है वो आप बनाओगे, ठीक है। ध्यान से देखो, चश्मे की दोनों साइड के स्टिक भी बना दी हमने। ये हमारा पूरा चश्मा रेडी है। अब हम कॉटन से थोड़ा सा छोटा सा पीस कट करेंगे। ध्यान से देखो मैम ने कैसे कट किया, आपको कट नहीं करना है, मम्मा आपको ये कट करके देंगी, ओके। और फेविकॉल की हेल्प से हम नोज़ के जस्ट नीचे ये कॉटन पेस्ट कर देंगे, और रेड कलर से हम ऐसे स्माइली बना देंगे। अब हमें कोई भी वेस्ट वाइट कलर का कपड़ा लेना है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। ज्योति मैम ने बिग बाज़ार का थैला यूज़ किया है। अगर आपके घर में कोई भी वाइट कलर का बैग, जूट बैग कुछ भी पड़ा है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, और नहीं है तो आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी वाइट पेपर है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले नीचे वाले पार्ट में आपको ऐसे कपड़े को राउंड करके उनको पहनाना है, ठीक है। आप टेप की हेल्प ले सकते हो, जैसे मैम पेस्ट कर रही हैं उसको फिक्स कर रही हैं, आप भी टेप की हेल्प से अच्छे से ऐसे फिक्स कर सकते हो। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उनकी ड्रेस ऐसे उठाना है, और 2 स्टिक्स इंसर्ट करनी है लेग्स बनाने के लिए, ठीक है। और फिर ऐसे राउंड राउंड सर्कल बनाओ, और 1 स्टिक के अंदर ऐसे इंसर्ट कर दो और प्रेस कर दो, ठीक है। ये उनका एक फीट बन गया। अब दूसरा फीट बनाने के लिए भी आपको राउंड राउंड सर्कल बनाना है, और स्टिक के अंदर ऐसे इंसर्ट कर देना है और प्रेस कर देना है, ठीक है। और उनका जो ड्रेस था उसको वापस पहले की तरह कर देना है। ये देखो गांधी जी के पैर भी बन गए, है ना। पैरों में हम अगर होते हैं ऐसे चप्पल, तो आप उसको डिज़ाइन दे सकते हो ब्लैक कलर की क्ले से। आपके पास जिस भी कलर की क्ले है वो आप यूज़ कर सकते हो। और जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर भी मैम ने एक और पीस लिया है वाइट कपड़े का, और मैम उसको ऐसे फिक्स करने वाली है। आप चाहो तो किसी पिन से या स्टेपलर पिन से भी फिक्स कर सकते हो। ज्योति मैम ने स्टेपलर का यूज़ किया है, आप मम्मा की हेल्प लोगे, खुद स्टेपलर नहीं यूज़ करोगे। अब आपको एक स्टिक लेनी है जो गांधी जी के हाथ में हमें पकड़ानी है। सबसे पहले उसको ब्राउन कलर की क्ले से हम कवर कर देंगे। ध्यान से देखो मैम कैसे कर रही है, और अगर आपके पास ब्राउन कलर नहीं है तो आप कोई भी और कलर ले सकते हो स्टिक को कवर करने के लिए, ओके। अब हमारी स्टिक रेडी है। हम गांधी जी के हाथ में ऐसे
स्टिक को पकड़ा देंगे और जो हैंड वाला पार्ट है क्ले का उसको स्टिक के ऊपर पूरा अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो एकदम चिपक जाए। ठीक है, अब हमारे गांधी जी बिल्कुल रेडी हैं, क्यूट लग रहे हैं ना। अब आप पिक्चर क्लिक करके ज्योति मैम को शेयर करना। ओके, बाय बाय।